स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार की मुश्किलें भी शराब घोटाले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरह बढ़ती जा रही हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दूसरी बार विभव कुमार की जमानत अदालत से खारिज हो चुकी है। जी हां, बता दें कि इस बार 30,000 सेशन कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के करीबी विभव कुमार को जमानत देने से इनकार कर दिया। पर सवाल यह है कि आखिर कोर्ट ने विभव कुमार को जमानत क्यों नहीं दी? तो चलिए आपको वो 10 वजह हम बताते हैं जिसके चलते विभव को जमानत नहीं मिली। बता दें कि विभव कुमार की जमानत याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने अपने आदेश में कहा कि पीड़ित एक महिला है, वो आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद भी है, वो अपने ही राजनीतिक दल के मुख्यमंत्री से उनके आवास पर मिलने गई थी। उनके आरोपों पर विचार करना चाहिए कि विभव कुमार ने मुख्यमंत्री आवास के ड्राइंग रूम में उनके साथ मारपीट की, उनकी बेरहमी से पिटाई कर उन्हें चोट पहुंचाई। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विभव कुमार माननीय मुख्यमंत्री के निजी सचिव हैं और उन्होंने केवल उसी पार्टी के संसद सदस्य बल्कि एक महिला के साथ भी दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है। स्वाति की डॉक्टरी जांच रिपोर्ट यानी कि MLC के अनुसार पीड़िता को लगी चोटें स्पष्ट है। विभव कुमार के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर विचार करते हुए IPC की धारा 308, 341, 354, 354 बी, 506, 509 और 201 के तहत आरोप लगाए गए हैं। ये सभी आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। विभव कुमार पर मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर राजनीतिक दल की एक महिला के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप है। वहां न केवल उनसे राजनीतिक दल से निर्वाचित सदस्य मुख्यमंत्री से मिल सकते थे बल्कि आम जनता भी अपनी शिकायतों के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री से मिल सकती है। इससे आम जनता के मन में अपने नेता से मिलने को लेकर डर और घबराहटें पैदा होती हैं। इस प्रकार के आरोप भी गंभीर हैं। लगातार मिल रही धमकियों के कारण पीड़िता के मन में अपनी सुरक्षा के साथ साथ अपने परिवार के सदस्यों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बनी हुई है। इस बात की भी पूरी आशंका है कि विभव कुमार को यदि छोड़ा गया तो वो गवाहों को प्रभावित करेंगे, इसलिए विभव कुमार की वर्तमान जमानत याचिका में कोई योग्यता नहीं दिख रही है। इस वजह से ये याचिका खारिज की जाती है। तो यानी अब विभव कुमार को भी बेल के लिए ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाना होगा। अब विभव को राहत मिलेगी या नहीं इसका तो पता नहीं, लेकिन जिस तरह से पार्टी के सभी बड़े नेता और उनसे जुड़े करीबी जेल में हैं और तौर जमानत भी नहीं मिल रही है, इससे पार्टी की छवि का नुकसान जाहिर तौर पर हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।